वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार। मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी एएलपी पेपर टू के बारे में, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ओके, आज से आपका ये स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका बेसिक रेफ्रिजरेशन, इसमें 5 से 7 लेक्चर मैं लाऊंगा और धीरे धीरे स्टेप वाइज हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग क्या करना, कोई भी वीडियो जो देखते हो उसका डिस्क्रिप्शन में जाया करो और वहां पे अपने अपने ट्रेड से रिलेटेड प्लेलिस्ट को खोलो, क्लिक करोगे सारा का सारा आपका आ जाएगा प्लेलिस्ट खुल करके, उसमें सारा वीडियोज है, जो भी वीडियोज है वो आप लोग देख लेना, ठीक है। जैसे कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आपका ट्रेड है, बट आपको भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेफ्टी एंड मैनेजमेंट टूल्स वगैरह आपको भी पढ़ना है। ओके, तो इसीलिए अगर आपके प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो मिलता है, तो आप लोग उसको देख लेना। और आप लोगों को पता ही है कि मार्केट में कोई भी ढंग का बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको जिस हिसाब से बताऊंगा उस हिसाब से आप लोग बस फॉलो करते चले जाओ, और मैं मोर देन 500+ क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, ताकि क्वेश्चन से आप लोगों का प्रैक्टिस जो है सो काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किए हो तो। और कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो फेसबुक ग्रुप पे पूछा करो, वहां पे ज्यादा लोग हैं तो आप लोग को जल्दी कोई ना कोई आंसर भी दे देगा, और अच्छा भी लगेगा जब बहुत ज्यादा लोग एक साथ कम्युनिकेट करोगे तो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अपने लोगों का ट्रेड है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये आता है कि व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन होता क्या है। तो देखो, घर में जो आप लोगों के घर में, सबके घर में जो फ्रिज होता है वो क्या है, एसी होता है वो क्या है, तो यही सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, यही सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स्ड जगह पे, जैसे कि फ्रिज है, तो फ्रिज का साइज आप लोग देखो कितना छोटा होता है ना, एज कम्पेयर टू साइज ऑफ रूम। तो ये आपका मान लो फ्रिज है, तो बस इतना सा ही जगह है, और बाहर का टेम्परेचर कुछ और है। मान लो बाहर आपका टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे आप मेंटेन करके रखे हुए मान लो कुछ भी, मान लो -5 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हम लोग, मेंटेन करते हैं कोई भी मशीन लगा करके, कोई भी इंजन लगा करके, कुछ भी लगा करके इसको हम लोग मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने का जो प्रोसेस है उसी को रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिखो कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है, क्योंकि आप लोगों का ट्रेड है तो कम से कम इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता एग्जाम में क्या पूछ दे। तो व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, तो आप लोग रेफ्रिजरेशन के बारे में एक लाइन लिख लो। तो देखो, ये है आपका रेफ्रिजरेशन का डेफिनेशन, क्या लिखा मैंने, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर ऑफ अ कॉन्स्टेंट स्पेस देन सराउंडिंग टेम्परेचर। बाहर में जितना टेम्परेचर था उसके कंपैरिजन में किसी पार्टिकुलर फिक्स जगह पे कम टेम्परेचर हम लोगों को रखना है, और इस रखने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेशन। जैसे कि आप ऐसे एग्जाम्पल से समझो कि ये आपका सराउंडिंग है, ये आपका सराउंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर है आपका 40 डिग्री सेल्सियस, आपके पास एक फ्रिज है, तो इस फ्रिज का टेम्परेचर इस सराउंडिंग से टेम्परेचर इसमें जाएगा, सिंपल सा बात है जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। आप मान लो -10 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करते हो, लोअर टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। तो भैया ये सराउंडिंग का टेम्परेचर 40, तो इसका भी तो 40 हो जाएगा, इसका भी तो 40 ही हो जाता, लेकिन मुझे इसको रखना है -10। क्या करेंगे, इसमें से एनर्जी को, क्यू को, हीट एनर्जी को निकालेंगे। तो आप अपने मन से तो नहीं निकाल लोगे, आप कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए हम लोग एक मशीन लगाते हैं, हम लोग एक मशीन लगाते हैं, एक अपना रेफ्रिजरेशन एक साइकिल होता है वो हम लोग लगाते हैं। तो इस तरह से ये होता है जो आपका कहलाता है रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ये क्या करता है, इस फ्रिज में से, इस कंस्ट्रेंड स्पेस में से ये आपका टेम्परेचर को रिलीज करता है, निकालता है, और इसमें से ये टेम्परेचर मशीन निकाल करके क्या किया, इधर आपको फेंक दिया, बाहर आपका फेंक दिया, जिसको क्यू रिजेक्शन कहते हैं, क्यू रिजेक्शन कहते हैं। इससे क्या होता है आपका,
और ये जनरली काम किसका होता है ये भी आप लोग लिख लो। क्यू रिजेक्शन आपका काम होता है कंडेंसर का, कंडेंसर का काम होता है क्यू रिजेक्शन। तो ये आप लोग लिख लो, यहाँ से आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मैं इसके बारे में और डिटेल्स में आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो ये निकाल के क्यू क्या किया, वापस से सराउंडिंग में भेज दिया, वापस से सराउंडिंग में भेज दिया, ठीक है। ये फंडा समझने का कोशिश करना, ये मशीन ये साइकिल का काम क्या है, इस कंस्ट्रेंट स्पेस का टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब देखो इसको अगर आप बंद कर दोगे, इसको आप बंद कर दोगे तो वापस से ये गर्म हो जाएगा। आप लाइन को कट कर देना, आप करंट को कट कर देना, देखना आपके फ्रिज का अंदर जो है ना 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा के बाद वापस से गर्म आ जाता है, गर्म एयर आ जाता है। कैसे होता है, ये चालू रहना चाहिए, ये जब तक चालू रहेगा तब तक आपका इसमें टेम्परेचर जो है सो -10 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो आप देख रहे हो लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने का, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। तो उम्मीद करते हैं कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके चलो आगे देखते हैं। अब इससे रिलेटेड एक साइकिल मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक छोटा सा सिंपल सा बात है। देखो ये है मान लो आपका हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर, जिसको आप रूम बोल सकते हो, सराउंडिंग बोल सकते हो, कुछ भी आप बोलो सराउंडिंग, ठीक है। इसमें हाई टेम्परेचर है, ये सिस्टम है आपका, ये मान लो आपका सेटअप है, ये आपका सेटअप है जिसको आप रेफ्रिजरेटर कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। और ये है आपका लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो देखो इसमें ना एक चीज समझने का बस कोशिश करना आप लोग, ये होता है हीट पंप, एक होता है आपका हीट पंप, एक होता है आपका ये मान लो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर। तो ये दोनों में हल्का सा ही डिफरेंस है, ये समझोगे तो काम आएगा आप लोगों का, क्योंकि इसका कंसेप्ट भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेम चीज ये भी यहाँ पे हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और यहाँ पे लो टेम्परेचर। अब देखो किसका क्या काम है, आप रेफ्रिजरेशन में क्या करते हो, आप रेफ्रिजरेशन में क्या करते हो, आपको ठंडा चाहिए, रेफ्रिजरेशन में आपको ठंडा चाहिए, तो आप हमेशा ये टेम्परेचर को आप मेंटेन करोगे लो टेम्परेचर वाला, तो आप हमेशा इसमें से क्यू को निकालोगे, क्यू को आप निकालोगे, ये जो मशीन है वो क्यू को निकाल रहा है, मतलब हमको इसको मेंटेन करना है, और निकाल करके आप क्या करोगे इधर छोड़ोगे, इधर आप छोड़ोगे, ठीक है। तो ये आप क्यू ऑब्जर्व कर रहे हो और यहाँ पे आप क्यू रिजेक्ट कर रहे हो, ये फंडा आपको समझ में आ गया। लेकिन हीट पंप के केस में आप क्या करोगे, रहता यही है आपका, यही रहता है, लेकिन उसी तरह से देखो इसमें भी हम लोग वही करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये आपका क्यू रिजेक्शन हो गया और ये आपका क्यू ऑब्जर्व हो गया। तो हम लोगों को हीट पंप के केस में ये चाहिए, ये चाहिए, हम लोग यहाँ पे मेंटेन करने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है जितना भी उतना टेम्परेचर एनी टाइम हम लोगों को चाहिए। तो सिंपल सा एक लाइन में समझाना चाह रहा हूँ कि सेम डायग्राम दोनों का है, लेकिन रेफ्रिजरेशन के केस में लो टेम्परेचर का चीज हमको चाहिए और हीट पंप के केस में हाई टेम्परेचर का चीज हमको चाहिए। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, इतना ही याद रखना है कि रेफ्रिजरेटर के केस में लो टेम्परेचर वाला चीज चाहिए और हीट पंप के केस में हाई टेम्परेचर वाला चीज चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि रेफ्रिजरेशन का जो है सो 2 लेक्चर आया हुआ है, बट वो जो सर ला रहे थे वो कुछ ज्यादा ही बिजी हैं, जिसकी वजह से जो है सो वो लेक्चर नहीं ला पा रहे हैं और शायद ना ला पाए। ओके इसीलिए मैंने खुद स्टार्ट किया है ये सेक्शन आपका एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। और एक बात आप लोग समझ जाओ कि अगर मैंने स्टार्ट कर दिया है तो मैं आपको खत्म करके ही रहूंगा, ठीक है, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। चलो आगे बात करते हैं। एक टर्म है आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, एक टर्म है आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो ये क्या होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हो, तो इसको आप लोग अच्छे से लिख के हाइलाइटर से हाइलाइट करके रखना, नोट करके रखना ये क्या है। तो देखो ये एक हीट का अमाउंट है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। आप जो मेंटेन कर रहे हो तो आप इसमें से क्या करोगे, आप इसमें से हीट निकालोगे तभी तो ये लो टेम्परेचर में आएगा ना, तभी तो ये ठंडा रहेगा ना। आप फ्रिज के पास जाना, फ्रिज के पीछे देखना इस तरह का लगा हुआ रहता है, वहां पे आप हाथ रखना तो देखना कि आपको काफी ज्यादा हॉट लगेगा। वो क्या कर रहा है, वो इस फ्रिज के अंदर से हीट को बाहर निकाल रहा है,
ताकि अंदर में लो टेम्परेचर मेंटेन रह सके। तो जितना अमाउंट में ये निकाल रहा है उसी को रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका एक छोटा सा एक दो लाइन लिखो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आपका। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है, जो मैंने आपको समझाया उसी को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है ताकि मैं एक बार बोल दिया, लेकिन अगर लिखा हुआ रहेगा आपके कॉपी में तो आप क्या करोगे बार बार उसको देखोगे तो बार बार आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये कुछ नहीं है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर लोअर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। यहाँ पे लोअर होगा, ठीक है। अब सराउंडिंग से तो कम होगा ना, फ्रिज के अंदर रूम का टेम्परेचर से तो कम होगा फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर, बस यही है। तो फ्रिज का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट हम लोग फ्रिज से निकालते हैं बाहर की तरफ, यही आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहलाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग इसका यूनिट के बारे में बात करते हैं। अब यूनिट के बारे में बात करते हैं तो देखो इसका जो यूनिट होता है ना, आप ऐसे करो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, इसका आप लोग यूनिट के बारे में बात करो तो देखो यूनिट आप लोग लिख लेना किलोवाट और किलोवाट और टी आर। इसको अच्छे से आप लोग याद रखना क्योंकि इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टी आर क्या है, तो ये टी आर का फुल फॉर्म है आपका टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। और स्पेलिंग देखना ध्यान से, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसको अच्छे से लिखो। अब आप बोलोगे कि सर ये टर्न क्या है, तो देखो एक चीज बताओ, ये जो आपका टन है ये, और एक होता है आपका टन, ये देखो ये टी ओ एन है, ये टी ओ एन जो होता है आपका ये होता है 907 kg, और एक होता है टन, ये होता है आपका 1000 kg। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना, काफी लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, सबको लगता है कि ये टन जो है सो वही टन है जो हम लोग 1000 kg को बोलते हैं, तो जी नहीं अलग अलग है। और ये आपका कैपेसिटी बताता है, आप देखना एसी लेने जाओगे तो आप देखना इतना टन का आता है, आप लोग सुने होंगे 5 टन का आता है तो 10 टन का आता है या जो भी आता है आप लोग सुने होंगे। तो वहां पे जो टन हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो 1 टन बताता है 907 kg को, ना कि 1000 kg को। तो इसको आप लोग अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रखना कि ये टन दूसरा होता है और ये टन आपका दूसरा होता है, ओके। चलो अब ये जो टी आर आप देखे हो, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं, तो आप लोग हेडिंग लगाओ 1TR, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। देखो ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखा, अब ये समझो, ये जो है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है जो हम लोग 1 टन वाटर से, अब 1 टन का मतलब क्या समझे, 1 टन ऑफ वाटर, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा 907 लीटर केजी जो समझो। तो 1 टन ऑफ वाटर है आपका, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे आप मेंटेन कर रहे हो, तो वहां से आइस में बदलना है, मतलब 1 टन ऑफ वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं आइस में बदल रहे हैं, और आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है, मतलब टेम्परेचर सेम है बट वाटर आपका आइस में जा रहा है, टेम्परेचर सेम है बट वाटर आपका आइस में कन्वर्ट हो रहा है। और टाइम हम लोग कितना दे रहे हैं, 24 आवर्स, टाइम हम लोग दे रहे हैं 24 आवर्स, और प्रेशर आपका कॉन्स्टेंट है, मतलब नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर है, कोई भी प्रेशर हम लोग देते नहीं है और निकालते नहीं है, मतलब नॉर्मल प्रेशर, फ्रिज क्या है रूम में ही रखते हो ना, तो प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक ही है, मेंटेन रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका मेंटेन रहता है फ्रिज के अंदर भी, ना कि फ्रिज के अंदर हम लोग दूसरा से प्रेशर देते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं करते। फ्रिज नॉर्मली आप ओपन करते हो, कुछ खाने पीने का होता है निकालते हो, फिर फ्रिज को क्लोज कर देते हो, तो उसके अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहता है। तो फंडा क्या समझे आप कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था आपका, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में कन्वर्ट करना है, 24 आवर्स के अंदर में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जितना भी अमाउंट आपका हीट रिमूव होगा निकलेगा फ्रिज के पीछे से थ्रू द हेल्प ऑफ कंडेंसर, तो उसको हम लोग बोलते हैं
1 TR ton of refrigeration. It is the amount of heat to be removed from 1 ton of water at 0 degree Celsius to convert it into 1 ton of ice at 0 degree Celsius in 24 hours at constant atmospheric pressure. इसको क्या बोलेंगे? 1 TR, 1 ton of refrigeration. और टन क्या है? 907 केजी. तो इतना आपको याद रखना, जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे याद रखो, लिखते चले जाओ अच्छे से. और नेक्स्ट लेक्चर में होगा तो मैं थोड़ा सा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी बता दूंगा कुछ कुछ चीज, ताकि आप लोगों को और अच्छा रहे और आप लोग उसको कलेक्ट करके रखो और बाद में अपना रिविजन करना. लेकिन जो लिखा रहे ना वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं लिखवा रहा हूँ. चलो आगे बात करते हैं. तो देखो TR के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, 1 TR, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको ये समझाया कि 1 टन आपका वाटर है, 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है आपका 1 atm. अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसी को जो है सो 1 टन ऑफ आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस. टाइम कितना दे रहे हैं? 24 आवर, 24 घंटा दे रहे हैं. और ये भी 1 एटमोस्फियर टेम्परेचर आपका मेंटेन है. ठीक है, वाटर का बात हो रहा है, लेटेंट हीट जो है सो मान लो 335 केजी पर किलो जूल पर केजी है आपका. लेटेंट हीट क्या है? 335 किलो जूल पर केजी है आपका. तो निकालोगे कैसे? तो देखो 1 TR हो जाएगा आपका मास फ्लो रेट इनटू लेटेंट हीट डिवाइडेड बाय टाइम. और ये आप करोगे तो ये हम लोग कितना लेके चल रहे हैं, ये हम लोग चल रहे हैं 907 केजी, लेटेंट हीट आपका है 335, टाइम कितना है 24 घंटा, तो 24 घंटा. और इसको सेकंड में करोगे तो 3600, एक घंटा में कितना होता है 3600. तो इसको आप कैलकुलेट करना, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो जो भी होगा आपका 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, ये आपका आ जाएगा 3.5 किलो जूल पर सेकेंड. आप कैलकुलेट करके देखना. और यूनिट अगर बैठाना चाहोगे तो देखो ये 907 केजी है, तो केजी इनटू ये आपका किलो जूल पर केजी है, और ये बट्टा आपका सेकेंड है, तो ये केजी से केजी कट जाएगा, तो ये आपका किलो जूल पर सेकेंड आएगा. तो आप क्या समझे कि 1 TR इक्वल टू जो है सो 3.5 किलो जूल पर सेकेंड है. तो आप लोग नोट करके अच्छे से लिखना, आपका वैल्यू क्या आया, 1 TR, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का वैल्यू आया आपका 3.5 किलो जूल पर सेकेंड. अब आप बताओ, आप पढ़े हो किलो जूल पर सेकेंड वाट होता है, तो 3.5 किलो वाट, ये हो गया आपका. अब मुझे एक चीज बताओ कि ये आपका हो गया, इसको आप अच्छे से लिख लो. ठीक है, ये आपका हो गया. अब मुझे एक चीज बताओ ये किलो जूल पर सेकेंड है. अगर मैं आपसे पूछूं कि किलो जूल पर मिनट बताओ, 3.5 किलो जूल पर सेकेंड है, पर सेकेंड मुझे पर मिनट बताना है, तो एक मिनट में कितना होता है, एक मिनट में होता है 60 सेकेंड, इतना होता है. तो गुना 60 करोगे, तो आप इसको गुना अगर 60 करोगे, 60, तो ये आपका आ जाएगा किलो जूल पर मिनट. तो इसको आप करोगे तो 36, 18, 180 और 30, ये हो जाएगा आपका 210 किलो जूल पर मिनट. तो आपने एक ये देखा, आपने एक ये देखा कैसे कैसे आया है, मैं आपको वो बता रहा हूँ. ठीक है, इसके बाद आप एक चीज और जानते हो कि आपका जो है सो 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी में होता है 4.2 किलो जूल. सिंपल सा बात है, 1 कैलोरी में होता है 4.2 जूल, 1 कैलोरी में होता है 4.2 जूल. तो 1 किलो लगा दिए, दोनों तरफ किलो लगा दिए, तो 4.2 किलो जूल ये होता है. तो इसको क्या कर रहे हैं, किलो जूल है ना, तो इसको मुझे किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है. तो किलो कैलोरी में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो बट्टे 4.2 करोगे यहाँ पे, तो 210 बट्टे 4.2 करोगे, तो ये आपका आ जाएगा किलो कैलोरी पर मिनट. इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 50 किलो कैलोरी पर मिनट, ये आपका ये आ जाएगा 50 किलो कैलोरी पर मिनट. ठीक है, अब ये आपका 50 किलो कैलोरी पर मिनट आया,
मैं आपसे पूछूंगा पर आवर बताने के लिए, मैं आपसे पूछूंगा पर आवर बताने के लिए, तो इसको जो है सो आप यहाँ पे गुना करोगे 50 गुना फिर 60 से गुना करोगे, 60 पर आवर, तो ये आपका आ जाएगा किलो कैलोरी पर मिनट। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3000 किलो कैलोरी पर मिनट। तो आपने कितना सारा चीज देखा, 1 TR टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में 3.5 किलो जूल पर सेकेंड होता है, ये एग्जाम में आ सकता है। 3.5 किलो वाट होता है, ये एग्जाम में आ सकता है। 210 किलो जूल पर मिनट होता है, देखो यहाँ से मैंने ये निकाला है, कुछ नहीं किया, गुना 60 कर दिया है, ये पर सेकेंड था तो मैंने पर मिनट कर दिया है, तो पर मिनट में ये आपका आ सकता है। उसी तरह से किलो जूल है, यहाँ पे आपको ये पता है कि एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो किलो जूल है तो अगर 4.2 से डिवाइड कर दोगे तो किलो कैलोरी आ जाएगा, तो यहाँ से करेंगे तो 50 किलो कैलोरी पर मिनट आपका ये आ गया। फिर मिनट में आया, यहाँ से मुझे आवर में चाहिए, तो आवर में करने के लिए ये जो है यहाँ पे HR है, तो आवर, तो आपका किलो कैलोरी पर आवर आपका हो जाएगा 3000। तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारा का सारा आपको याद रखना है, तो आप अच्छे से नोट करके लिख लो, मैं आपको लिख देता हूँ और उसको आप लोग याद कर लेना, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आपका 100% श्योर है कि आना है। रेफ्रिजरेशन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन आप पढ़ रहे हो अभी, चलो नोट करो। नोट आपको क्या क्या करना है, नोट आपको करना है 1 TR इक्वल टू 3.5 किलो जूल पर सेकेंड इक्वल टू 3.5 किलो वाट इक्वल टू 50 किलो कैलोरी पर मिनट इक्वल टू 3000 किलो कैलोरी पर आवर इक्वल टू 1 किलो कैलोरी इक्वल टू क्या होता है 4.2 किलो जूल हो जाएगा। तो इसको 4.2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे तो ये आपका आ जाएगा 210 किलो जूल पर मिनट। तो इतना सारा वैल्यू आपको याद रखना है, इतना सारा वैल्यू आपको याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। मैं आपको सिर्फ एक दो बात बताऊंगा, कुछ याद रखो या मत याद रखो, ये याद रख लेना, काफी आसान है। 3.5 किलो वाट अगर याद रहेगा तो किलो वाट को किलो जूल पर सेकेंड कर सकते हो, सेकेंड रहेगा गुना 60 कर दोगे पर मिनट आ जाएगा, फिर से गुना 60 कर दोगे तो आपको पर आवर आ जाएगा, और ये तो आपको याद रखना ही है कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो अगर किलो दोनों तरफ लगा देंगे तो 1 किलो कैलोरी में 4.2 किलो जूल होता है। तो अगर आपको ये वैल्यू याद है कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो जहां जहां किलो जूल है वहां वहां आप किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सिंपल सा एक डाटा अगर आप याद रखते हो तो आपका जो है सो ये पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोग नोट करके अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आज के लिए इस लेक्चर में मैं इतना पे स्टॉप कर देता हूँ, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो फिर हम लोग इसके आगे बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बेसिक फंडा समझ में आ गया होगा, क्या होता है रेफ्रिजरेशन, क्या होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, कैसे निकालते हैं, TR क्या है, टन और टन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है, ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, किसी भी कीमत पे ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करो। थैंक यू।